प्यारे बच्चों जी, प्यारे बच्चों जी, प्यारे बच्चों जी, शाबाश। कैसी है मम्मा? मैं तो मजा कर रही हूँ। अच्छा मम्मो, आज हम आपको सिखाएंगे हमारी उर्दू का सबसे पहला लफ्ज कौन सा होता है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कौन सा होता है, बताएं। उर्दू का सबसे पहला लफ्ज याद नहीं आ रहा, आप बताओ। और मोमो, आप कभी स्कूल नहीं गई? नहीं। चले ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा। उर्दू का हमारा सबसे पहला हर्फ जो होता है वो होता है अलिफ। अलिफ जी। आपने अनार खाया है कभी? कैसा होता है? मजेदार। तो अलिफ से होता है अनार। अलिफ से अनार। शाबाश। और अलिफ की जो आवाज निकलती है वो निकलती है इस तरह से। ओ। इस तरह नहीं मोमो, क्या हो गया? ऐसे देखें, अलिफ की आवाज निकलती है आ। ओ। मोमो, ओ नहीं, आ। शाबाश। और आप मुझे अच्छा ये बताएं कि आपने अंगूर खाए हैं? अंगूर बिल्कुल खाए, वो भी मजेदार होते हैं। यानी कि आप पेटू हैं मोमो। मोमो अलिफ से होता है अंगूर। वो भी अलिफ से? जी, अलिफ से अंगूर, अलिफ से अनार। बोलिए आप। अलिफ से अंगूर, अलिफ से अनार। शाबाश। अब मैं आपको बताता हूँ कि अलिफ कैसे लिखते हैं, आपको ये पता है? नहीं पता। बिल्कुल सीधी एक स्टिक की तरह से होता है। ये देखिए, आप देखिए लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको मोमो? ये होता है अलिफ। अलिफ इस तरह लिखते हैं, ठीक है मोमो? बिल्कुल ठीक है। आपको समझ में आ गया अलिफ से क्या होता है, बताइए मुझे। मुझे सब समझ में आ गया। शाबाश। से सबसे पहले पड़ा वाला अनार। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा अनार। और उसके बाद छोटा वाला अलिफ से अंगूर। जबरदस्त मोमो, आज आपको सबक इतना ही, कल हम आपको सिखाएंगे बे क्या होता है, ठीक है? बे जी, बिल्कुल। आज आप छुट्टी कीजिए।